मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सूट करता है ये सब बांटने की राजनीति का नेतृत्व आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं कि अब मुख्यमंत्री जी से बिहार संभलने वाला नहीं। लाल किले की तस्वीर के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पोस्टर पर चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पोस्टर को उनका सपना बताया है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी सपने को पूरा करने के लिए ये पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसी बहाने वो लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और ना वो कभी लाल किले से झंडा फहरा सकते हैं, यह उनका सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नकली लाल किला अपने पीछे लगा दिया है। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर जो तस्वीर लगाई गई है, इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं। वह इस पोस्टर के जरिए प्राचीर पर तिरंगा फहराने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। चिराग ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वह मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहे हैं, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी वो कैसे निभाएंगे। बता दें कि चिराग ने सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर पर बोलते हुए सवाल पूछा है कि यह किस मॉडल के जरिए जनता के बीच जाएंगे। चिराग ने पूछा कि क्या वो बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर जाएंगे या बिहार में हो रहे दंगों को लेकर जाएंगे। जी हाँ, बता दें और ये भी कहा है कि जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर। चिराग ने पूछा कि वह किस मॉडल को लेकर देश की जनता के सामने जाएंगे। अगर यह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो तो जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभा पाए हैं उनको देश की जनता कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सूट करता है ये सब बांटने की राजनीति का नेतृत्व आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे बटे, जैसे भी हो, अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति को ये सूट करता है। पहली बार नहीं है भैया ऐसा कि रामनवमी के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया? कोई सबक नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप पिछले 3 दिन 4 दिन से मेरा प्रदेश जल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मुख्यमंत्री जी से बिहार संभलने वाला नहीं। ये तो भैया एक रामनवमी के दिन हुई घटना जिसका असर 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोगों को देखने को मिला, पर जो रोज़ बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जो रोज़ बिहार में अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, जहरीली शराब की वजह से हत्याएं हो रही हैं, उसका क्या? जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद इन घटनाओं की रोकथाम नहीं कर पा रहे हों, और कहीं ना कहीं भाई मैं तो मानता हूँ कि संरक्षण ही इनका है, जहरीली शराब में कितने गिरोह पकड़े गए, कितने तस्कर पकड़े गए, या जितनी हत्याएं हुई हैं आज तक कितने अपराधी या कितने हत्यारे पकड़े गए, तो जो मुख्यमंत्री खुद संरक्षण देते हों उनसे अब बिहार संभलेगा नहीं। और इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से भी मुलाकात कर और कल एक पत्र के माध्यम से देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी हम लोगों ने मांग की है कि भैया अब और हत्याओं का इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते और इसीलिए बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।